सो हाई, आई एम ऋषि उदित एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोड. तो मोड क्या होता है, कैसे उसको कंप्यूट किया जाता है. सो लेट मी टेल यू, सो दिस इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एवरेजेस. दिस इज़ वन ऑफ द टूल जिसे यूज करके हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, या आप कह सकते हैं कि एवरेज फाइंड आउट करते हैं आप किसी भी गिवन डेटा सेट के अंदर. तो इसे प्रीवियस वीडियोज जो रही हैं उसमें मैंने आपको मीन, मीडियन, ये सब ऑलरेडी समझा दिया था. पोजिशनल एवरेजेस के बारे में भी मैंने बात की थी. तो ये सब आपके क्या थे, एवरेजेस थे, सेंट्रल टेंडेंसी के टूल थे. उसमें आपका मोड जो है वो रिमेनिंग था, जिसे कि आज हम इस वीडियो में फाइनली कवर करने जा रहे हैं. तो इस वीडियो के साथ आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी ओवर हो जाएंगे. नाउ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द मोड. सो वी आर गिवन दैट अ मोड और अ मॉडल वैल्यू इन अ सीरीज इज दैट वैल्यू विच अकर्स विद द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब क्या है कि पूरी सीरीज जो आपको गिवन होती है, सभी डेटा वैल्यूज जो आपको गिवन होती हैं, उसके अंदर जो वैल्यू आपको बार बार देखने को मिल रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, मतलब जो सबसे बार ज़्यादा बार अकर हो रही है, हैपन हो रही है, तो वो वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, मोड कहलाती है. वो आपकी क्या कहलाती है, मॉडल वैल्यू कहलाती है. जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें, ये एक बिल्कुल सिंपल सीरीज है, सिंपल डेटा सेट है, जिसके अंदर अगर आप ध्यान दें और उसको एनालाइज करें, तो जो 3 वैल्यू है वो आपकी कितनी बार रिपीट हो रही है, 4, 2 टाइम्स. जबकि जो 5 वैल्यू है वो आपकी 1, 2 एंड 3, 5 इज रिपीटिंग इट सेल्फ फॉर 3 टाइम्स, राइट. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा बार कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, तो दैट विल बी योर 5. सो इन दिस केस 5 विल बी योर मोड. ओके, तो मोड आपकी बेसिकली क्या होती है, वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार हो रही है. जैसे कि अगर हम इसे ग्राफिकली समझने की कोशिश करें, तो सपोज़ ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है. अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका कुछ इस तरह से बनता है. तो उसमें भी जो आपका हाईएस्ट पॉइंट होगा, अगर आपको कोई कहे कि आपको अर्थमेटिकली कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, कुछ भी फिगर्स के थ्रू आपको मोड कैलकुलेट नहीं करना है, आप ग्राफिकली मोड को असर्टेन करके बताइए, तो ग्राफिकली हाउ विल यू असर्टेन द मोड. जो आपका पीक जहाँ पर है, पूरे कर्व का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, वो आपका क्या कहलाएगा, मोड. सो दैट विल बी योर मोड. दिस वॉज द केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर वो आपका स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तब भी क्या हो जाएगा, सपोज ऐसा कुछ अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहां भी जो आपका पीक का पॉइंट है, दिस विल बी योर मोड. सो दिस इज हाउ वी कंप्यूट द मोड. इसके अलावा जो मेन क्वेश्चन आता है बिफोर द कैलकुलेशन पार्ट, इससे पहले कि आप सीखें कि कैसे मोड को कैलकुलेट किया जाता है, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि वाई मोड ओवर अदर एवरेजेस. मोड को क्यों प्रेफर किया जाता है ओवर अदर एवरेजेस, बीट मीडियन और मीन. तो मोड को क्यों एक अच्छा एवरेज माना गया है, उसकी सूटेबिलिटी क्या है, उसकी यूजेबिलिटी क्या है. सो मोड इज दैट वन एवरेज अराउंड विच द आइटम्स आर मोस्ट क्लोजली कंसंट्रेटेड, स्पेशली इन केस ऑफ आउटलायर्स. हाउ, लेट्स गेट टू नो अबाउट दिस. सपोज ये आपका कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसमें आपकी आउटलायर सपोज प्रेजेंट है, तो आपका ऑब्वियसली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा बनेगा, स्क्यूड बनेगा. ये मैं ऑलरेडी आपको अपने काफ़ी वीडियोस में समझा चुकी हूँ. इनफैक्ट आउटलायर्स पर मेरा एक स्पेसिफिकली छोटा सा 4 या 5 मिनट का वीडियो भी आपको मिल जाएगा इसी प्लेलिस्ट के अंदर, स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइड में. उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, और भी अच्छे से अगर आप क्लैरिटी चाहते हो इस टॉपिक पर. तो ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पर आपकी आउटलायर्स आ जाते हैं, आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यूज प्रेजेंट होती हैं डेटा सेट में, तो वहाँ पर यूजुअली क्या होता है कि जब भी अगर आप मीन निकाल रहे हो, ठीक है, 3 ही एवरेज होते हैं आपके जो मोस्ट पॉपुलरली यूज होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड. तो अगर आप मीन निकाल रहे हो, तो मीन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द वीडियो ऑफ मीन, कि मीन जो होता है वो आपका अफेक्ट होता ही होता है एक्सट्रीम वैल्यू से, और वो किस साइड शिफ्ट हो जाता है, जिस साइड आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज प्रेजेंट होती हैं. तो मीन आपका मिड में ना होके कहाँ हो जाएगा, थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट हो जाएगा. सो दिस विल बी योर मीन. ओके, मीडियन जो है वो क्या होगा, मीडियन इज ऑलवेज योर मिडल मोस्ट वैल्यू, ठीक है. तो मीडियन तो ये देख ही नहीं रहेगी किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है या कौन कहाँ पर आ रहा है, उसको सिंपली अपना मिड का पॉइंट ले लेना है. तो ये आपका हो जाएगा मीडियन. ओके, बट
इन दोनों में से कोई भी एक एवरेज आपका डेटा की सेंट्रल वैल्यू को अच्छे से नहीं बता पा रहा है, जबकि अगर आप मोड को देखेंगे तो मोड आपका कौन सा हो जाएगा, जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है, जहाँ आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है. सो दिस विल बी योर मोड, राइट. अब आप अगर इन तीनों में से देखेंगे तो कौन से एवरेज के अराउंड आपकी मोस्ट आइटम्स आपके कहाँ कंसेंट्रेटेड हैं, मोड के अराउंड. क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा आइटम्स आपकी कहाँ हैं, यहाँ तो बहुत कम वैल्यूज़ है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ कहाँ हैं, जहाँ पर आपका पीक जा रहा है कर्व का, जहाँ पर आपका पीक है कर्व का, वहीं आपकी मोस्टली आइटम्स जो हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं. तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इन कंपेरिजन टू द मीडियन एंड मीन, मोड इज ऑलवेज अ प्रेफरेबल एवरेज, मोड इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर मीन एंड मीडियन, बिकॉज दिस इज वन एवरेज अराउंड विच द आइटम्स आर मोस्ट क्लोजली कंसनट्रेटेड. सो दिस इज अबाउट द मोड. और ये एक्चुअली शायद आपको ये लग ही रहा होगा कि अभी तक तो बहुत एक्स्ट्रा ज्ञान ही चल रहा है, मेन जो है वो कैलकुलेशन का पार्ट है, तो अब वो हम स्टार्ट करते हैं. सिमिलरली जैसे हम मीडियन और मीन में हमने तीन सीरीज के लिए कैलकुलेट किया था, इंडिविजुअल, कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट, वैसे ही अब हम मोड में भी तीनों सीरीज के लिए अलग अलग से मोड को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे कैसे मोड को कंप्यूट किया जाता है. लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ सी लुक एट द बोर्ड की हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज पर, फिर हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज की, एंड देन वी विल डिस्कस द कॉन्टिन्यूस सीरीज. तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, आपके पास एज सिंपल एज दिस, डेटा इज बीइंग गिवन टू यू, आपको कुछ वैल्यूज ऐसे एक्स की दे दी जाती हैं वेरिएबल की, सिंपली आपको मोड बताना है. तो हमें क्या देखना है, मोड कैलकुलेट सिर्फ इतना ही है ना, कि हमें सिर्फ इतना देखना है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार है, प्रेजेंट है इस डेटा सेट में, ठीक है. तो वो बिल्कुल ईजी है, आप वैसे भी देख सकते हो, बट क्योंकि अगर आपको इसे सब्जेक्टिव एग्जाम में अटेम्प्ट करना होगा, या फिर आपको वैल्यूज कई बार इतनी ज्यादा गिवन होती हैं कि ऐसे आप सिर्फ देखकर उनको पता नहीं लगा सकते, जैसे कि हमने लास्ट अभी वो 3-5 वाला जो एग्जाम्पल था सिंपल, उसमें किया था. तो इसके लिए हम वी हैव गॉट अ वे कि हम क्या कर सकते हैं, आप टेलीमार्क्स का यूज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है. टेलीमार्क्स का कैसे यूज कर लोगे, सबसे पहले आप एक और एक्स की वो बना लो, दोबारा से लिखते हैं. सबसे पहले एक वैल्यू को उठाओ, 10 कितनी बार है, एक बार, 25 कितनी बार, एक बार, 27 वन मार्क, 23 वन मार्क, 25. नाउ 25 वी हैव ऑलरेडी रिटन दिस वैल्यू, तो हमें दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं. 25 का इसी के सामने एक और मार्क लगा लो, क्योंकि ये दोबारा आई है इस सीरीज में. 10 वो भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो एक और मार्क लगा लेंगे. 25 अगेन थर्ड मार्क, 20 वी हैव नॉट रिटन येट, 20 का आ जाएगा वन. 13 भी नहीं लिखा है, तो वो भी आ जाएगा वन मार्क. एंड द 12, सो दिस इज ऑल्सो अ न्यू आइटम, वन मार्क. अब आप इजीली फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 2. मार्क्स को काउंट करते जाओ, लिखते जाओ, 1, 1, 1, 1. सो अब जस्ट लुकिंग एट द फ्रीक्वेंसी यू कैन ईजिली गेट टू नो कि कौन सी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा है. तो ये वाली फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 3. तो 3 किसकी है, 25 की. सो 25 इज अकरिंग इट्सेल्फ, रिपीटिंग इट्सेल्फ फॉर 3 टाइम्स इन दिस डेटा सीरीज. तो आंसर विल बी योर, मोड विल बी योर 25. ओके. तो जो चीज़ है ध्यान रखने की वो क्या है, कि यहाँ पर आपको 3 आंसर नहीं लिख देना है, ठीक है. फ्रीक्वेंसी तो आपकी वो है कि वो कितनी बार हो रहा है, एक्चुअल वैल्यू ही तो आपकी एवरेज निकलेगी ना. एवरेज तो हम सीरीज में से निकालते हैं कि उसकी एक सेंट्रल वैल्यू क्या है. तो सेंट्रल वैल्यू कौन सी होगी जो सबसे ज़्यादा बार हो रही है, विच इज़ योर 25. तो ये तो था इंडिविजुअल सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज उससे भी ज़्यादा ईजी है. इंडिविजुअल में जहाँ आपने फ्रीक्वेंसी खुद से डिसाइड की थी, खुद से कंस्ट्रक्ट की थी, डिस्क्रीट में तो आपको वो भी गिवन है, ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि किस वैल्यू की कितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपकी डेटा सीरीज में है. तो अब तो इट इज़ क्वाइट सिंपल कि आप मोड को कैसे यहाँ पर देखेंगे. जैसे कि ये सिंपल एग्जांपल है, एक्स की कुछ वैल्यूज हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज उनके अगेंस्ट लिखी हुई हैं. तो जस्ट लुकिंग एट द फ्रीक्वेंसी यू विल गेट टू नो कि 65 जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर. तो 65 किस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी है, 31 की. सो योर मोड विल बी 31. यहाँ भी आपने सेम वही चीज़ ध्यान रखनी है, पेपर में ये गलती नहीं करनी है कि फ्रीक्वेंसी इज नॉट द मोड. ओके, यू हैव टू लुक एट द एक्स, दिस विल बी योर मोड. 65 को आपने मोड नहीं लिख के आना है, ठीक.
ठीक है, 65 तो क्या है, फ्रीक्वेंसी है, 65 टाइम्स के लिए वो वैल्यू अकर हो रही है, तो जो वो वैल्यू है वो एक्स है, वो आपकी क्या है, मोड है, वो आपकी क्या है, एवरेज है। तो ये आपके एग्जाम्पल से इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के, इनका एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद फटाफट से कॉन्टिन्यूस करते हैं, बट उससे पहले लेट मी टेल यू वन इम्पोर्टेंट थिंग कि जो डिस्क्रीट सीरीज है उसमें आपके दो मेथड्स आते हैं, वन इज योर इंस्पेक्शन मेथड एंड वन इज योर ग्रुपिंग मेथड। ओके, तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ये क्या था, इंस्पेक्शन मेथड था। इंस्पेक्शन मेथड में क्या है कि सिंपली आप देख के जो चीज कैलकुलेट कर पा रहे हो, फिगर आउट कर पा रहे हो। लेकिन ग्रुपिंग मेथड क्या है, वो अपने आप में एक पूरा प्रोसीजर है आपका, कि आपको कुछ ग्रुपिंग्स बनानी होती हैं और उसके उसके थ्रू आपको मोड कैलकुलेट करना होता है। तो वो एक थोड़ा सा टेबल वेबल बनती है एक दो उसमें, और एक बड़ा मेथड है, तो वो मैं अभी इस वीडियो में नहीं आपका डाल रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी है एंड डिफ़िकल्ट भी है, तो इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती। एक बार कॉन्टिन्यूस आपको बता के मैं एक बार इस वीडियो को एंड कर रही हूँ, बट उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो अपकमिंग वीडियो में आपको ग्रुपिंग मेथड ही सिंगल ग्रुपिंग मेथड में उस पूरी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो मेक श्योर कि आप नेक्स्ट वीडियो को भी ध्यान से देख लें जरूर, कहीं वो आपका छूट जाए। मैं दोबारा से एम्फेसिस कर रही हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुपिंग मेथड जो है वो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम्स में आता ही आता है, तो वो आप मेरी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो से आपको सीखने को मिल जाएगा। अभी के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पर सिंपल मेथड डाला है, विच इज़ योर इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, ये आपका कौन सा है, इंस्पेक्शन मेथड, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब फटाफट से स्विच करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज पर। नाउ सी, लास्ट इज योर कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज आपकी कुछ इस टाइप से होती है, जहाँ पर आपको क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं एक्स की वैल्यूज में, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और फिर उसकी फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन होती हैं। तो अब यहाँ पर हम मोड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड द मॉडल क्लास बाय इंस्पेक्शन मेथड। मॉडल क्लास हमें निकालनी होगी। अगर आपने मेरा मीडियन का इससे पहले वीडियो देखा है तो आप समझ जाएंगे इजीली कि वहाँ पर भी यही प्रोसेस रहता है। हम उसमें से कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या करते हैं, सबसे पहले मीडियन क्लास को फिगर आउट करते हैं कि कौन सी हमारी मीडियन क्लास है, और फिर उसकी जो भी वैल्यूज़ है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, वो फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो सिमिलरली यही आपका सिमिलर प्रोसीजर यहाँ पर रहने वाला है। तो मॉडल क्लास अब यहाँ पर हमें फिगर आउट करना है। तो मॉडल क्लास हमें कैसे पता चलेगा, जैसे हम अभी तक पता करते आ रहे हैं, जस्ट थ्रू इंस्पेक्शन मेथड। तो इंस्पेक्शन मेथड क्या था कि जस्ट बाय लुकिंग एट द फ्रीक्वेंसी यू डिसाइड विच इज योर मॉडल वैल्यू और विच इज योर मॉडल क्लास। सो लुकिंग एट द फ्रीक्वेंसी आपको इजीली क्लियरली पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास की है, 15, तो आपकी मॉडल क्लास कौन सी हो जाएगी, 50 to 60। मतलब मॉडल क्लास होने का मतलब क्या है कि योर मोड, द आंसर, द मोड डेफिनेटली लाइज बिटवीन 50 to 60। तो जो आपका मोड है वो कहाँ आने वाला है, 50 to 60 के बीच में। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू एग्जैक्टली 50 to 60 के बीच में जो है आपकी मोड है, उसको निकालने के लिए अब हमने क्या यूज़ करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है जो कि आपको मोड का फॉर्मूला गिवन है। तो अब आप इसमें कहेंगे कि F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, LRI क्या है। LRI आपको पता होगा क्योंकि आपने मीडियन में भी ये चीज़ पढ़ी थी। L आपकी सिंपली लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट ऑफ व्हाट, द मॉडल क्लास। ठीक है, मतलब 50 इज योर लोअर लिमिट। आई क्या है आपका, क्लास इंटरवल, मतलब 50 to 60 की क्या रेंज है, 60 - 50 इज इक्वल टू योर 10, तो 10 आपकी क्लास इंटरवल हो जाएगी। रिमेनिंग इज योर F1, F0 एंड F2, तो वो क्या होती है, F1 होती है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास विच इज योर 15, तो ये तो आपकी क्या है, F1। ठीक है, F0 क्या है, F0 क्या है, प्रिसीडिंग क्लास 0, 1, 2, तो ये 1 है तो 0 उससे पहले आएगा, 2 1 के बाद आएगा, तो ये अगर आपका F1 है तो F0 इससे पहले आएगा विच इज योर 12, और F2 इसके बाद आएगा विच इज ऑल्सो योर 12। ठीक है, तो इस तरीके से आप पोजीशन असर्टेन करेंगे कि F0, F1 एंड F2 आपके क्या रहेंगे। L और I सिंपल है, आपको पता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट कर देनी है एंड यू विल गेट योर मोड। तो लोअर लिमिट क्या है, 50 प्लस F1 माइनस F0, 15 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2 F1, 2 into 15, 30 माइनस 12 माइनस 12,
ये कोइंसिडेंटली आपकी दोनों वैल्यूज सेम है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपकी डिफरेंट होंगी तो वैल्यूज उस तरीके से आपने पुट करनी है। इनटू आई आपकी मैंने क्या बताया था, क्लास इंटरवल क्या रहेगी, 10, विच इज योर 10। ओके, बस अब आपने कैलकुलेट करना है क्या आ जाएगा, 50 + 3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10, सो दिस इज योर 55। मोड इज योर 55, 55 इज योर आंसर। तो नाउ 55 लाइज बिटवीन 50 एंड 60, तो यहां से ये भी आपका वेरीफाई हो जाता है कि आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट मोड फ्रॉम अ कॉन्टिन्यूस सीरीज। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ पर अब आपका सिर्फ ग्रुपिंग मेथड रहता है डिस्क्रीट सीरीज से, जो कि मैं अब आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर कराने जा रही हूँ। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, यू मे लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड यू मे कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी फर्दर सजेशन फॉर माई अपकमिंग वीडियोज। एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो येस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट आपको इस तरह की जितनी भी अपकमिंग वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग।